देखिए भैया मैं ही जीतूंगा। यस। कैमरा ऑन कर दिया क्या यार? बताया तो करो यार, तुम भी भोले हो यार बिल्कुल ही। हाँ भाई, तो देखिए भैया, बात आज यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज मैंने नेक्स्ट लेवल तो जीत लिया है वीडियो गेम का। यस। मम्मी बोलती थी कि तू कुछ नहीं जीत पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और देखो पूरे 3 साल बाद मैं फाइनल लेवल तक पहुंचा हूं। यस। अच्छा हाँ, मेरे को तो कुछ बोलना भी था, मैं तो वीडियो गेम में खो गया। हाँ मैं कह रहा था, वो यार सिद्धू आया था। फोन किसका आ गया? हाय दीदी, हाउ आर यू? देखिए भैया दीदी, अच्छा देखिए दीदी, दीदी भैया हटा देता हूँ। देखिए दीदी यार, मैं नहीं मिल रहा यार, आप ही सुलटा दो ना इसको, मैं नहीं मिल रहा सर, पागल आदमी है। एक तो इतने मुहावरे देता है ना ये सिद्धू, मेरा दिमाग खराब कर देता है। मेरे को वीडियो गेम ही 3 साल में समझ आई है, तो अब ठीक है मेरी बात सुनिए। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा मैं तुझसे नहीं मिलूंगा, वो तो मतलब नहीं मिलूंगा। मुझे बोल रहा है कि मुझे आपको, मम्मी को, अब तो मम्मी को मम्मी बोलने लग गया है वो बीच बीच में। मैंने कहा ये अलग ही आदमी है, मतलब इस हिसाब से तो मनमोहन जी को हम पापा बोलना चाहिए था मेरे को, उनको अपने आप को, अपनी सीमा भूल जाता है बदतमीज आदमी। पिंकी दी, देखिए भैया, देखिए दीदी, दीदी मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि देखिए जीजू को छुपा के रखिएगा, क्योंकि वो आदमी जो है ना सिद्धू, उसके पास सम्मोहनी शक्तियाँ हैं, वो सम्मोह लेता है। ये ना हो कि पंजाब के अंदर ज़मीन के नाम पे आपको कुछ और पकड़ा जाए, लंबा चौड़ा कागज़ कहीं दे जाए आपको। हाँ ठीक है, मैं रख रहा हूं, आप जरा जीजू को छुपा देना। ठीक है। हाँ तो भैया आप यहां से स्टार्ट करेंगे भोला जी, ठीक है? और चलो आपका नाम भी ले लेता, कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हूं, राहुल। मैं हर एक की मदद करके चलता हूं सिवाय सिद्धू के। पहले 3 बार आया, एक तो वो बहुत शातिर आदमी है, उसने क्या करा, सबसे पहले मैं आया तो मैं बाथरूम चला गया, तो मेरे वीडियो गेम की सेल निकाल दिए ताकि वो चले ही ना और मैं उससे बात करूं। लेकिन वो नहीं जानता कि मेरी भी किडनी बहुत तेज चलती है, मैं इस बार मिला ही नहीं। लोगों ने मुझसे पूछा, पत्रकारों ने, लोगों ने, रिश्तेदारों ने, पॉलिटिशियन ने, कार्यकर्ताओं ने, इतने सारे शब्द इकट्ठे, तो उन्होंने सबने पूछा कि भैया आप क्या समझते हो, मिलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ऐसे आदमी से मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा, वो बेपैंदी का लोटा नहीं है, बेपैंदी का मटका है वो, ना इधर ना उधर ना उधर ना उधर, कहीं भी नहीं है वो, मैं तो मिला नहीं। फिर अब दीदी के चरणों में जाके गिर गया वो, बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। हम तो बस मजबूरी में मरता क्या ना करता वाली बात थी, इसलिए मम्मी ने बोला कि पिछली बार भी सरदार की वजह से ही बचे थे हम लोग, इस बार भी शायद सरदार की वजह से बच जाएं, इस पे भरोसा कर लिया। लेकिन मैंने कहा मम्मी, हर सरदार असरदार नहीं होता, थर्ड लेवल मैंने ऐसे ही नहीं जीता गेम का, आजकल चल रही है मेरी बुद्धि, वैक्सीन लगवा लिया है ना मैंने, क्या तो वैक्सीन ही रहते यार, अब पता नहीं क्या दे दिया है, बट आई एम हैप्पी कि मेरा वैक्सीन काम कर रहा है, और पिगी नहीं, पिडी, चलो बाहर चलो, ये खाम खाम है। सिद्धू को भी मैं देखना यही बना दूंगा, पीडी।
पूरा इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी भौंकता है, पर ये कम से कम मान तो जाता है, वो मानता भी नहीं, इसीलिए नहीं मिला मैं उससे। खैर छोड़िए, मुझे एक और मीटिंग में जाना है, मोदी जी के कुछ पॉइंटर्स मुझे याद करने हैं, 4 दिन हो गए याद करते हुए हुए नहीं हैं, उनके अगेंस्ट में बोलना है, तो मैं आई विल बी बैक, मेरा इंतज़ार कीजिएगा और देखिएगा कि मैं अब जैसे बोलते हैं सीज़न 2, मैं गेम में दूसरे लेवल तीसरे लेवल को पार करके अब चौथे लेवल पे आ गया हूँ। पार्टी तो गई लगवाने, हमें क्या मतलब है, हमें तो अपनी गेम से मतलब है। अरे ज़रा चार्जर देना फ़ोन का, लगवाने ख़त्म हो गई चार्जिंग, बैटरी भी। अच्छा जी, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।